मजा आ गया। मजा तो आना ही है बेटा। आदमी दिन भर काम करके थककर रात को जब खाना खाता है तो मजा तो आता ही है। कोई नई बात नहीं है। गधा प्रसाद के लिए नई बात है भैया। डॉट 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 डॉट। अच्छा गधा प्रसाद ये बता, आज दुकान में सेल कितने की हुई? भाभी हमारी ऐसी हुई सेल कि आसपास की दुकान सारी हो गई फेल। अच्छा पूरे 60,501 की। क्या कथा भैया पहले दिन इतनी बिक्री? डरते डरते। अरे गाड़ी तो एक्सप्रेस की स्पीड से जा रही है। हवाल है। अच्छा ये बता सामान क्या क्या बिका? कोटा तू तो गधे की टिकट चेक करने बैठ गया। खाना तो खा लेने दे ढंग से उसे। ये कौन सा भागा जा रहा है? और फिर हिसाब तो मैं इससे ले ही लूंगा। ये ले पानी पी ले। अरे पी ना। पीने का पानी दे रही हूँ गधा प्रसाद, नहाने का नहीं है। थैंक यू भाभी। खाना हो गया। चलिए बाबूजी सोने से पहले डाइनिंग टेबल पर दूर से पाए लागू। जी करा बेटा। बाकी सभी यात्रियों को शुभ रात्रि। बाबूजी मेरा भी सेम टू सेम। डॉट 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 डॉट। बाबूजी मयूरी कभी हरिओम। हरिओम बाबूजी। बाबूजी इससे पहले आप हमसे हिसाब मांगे हम आपको खुद ही हिसाब दे देते हैं। बाबूजी हमारी दुकानदारी हुई थी 7,501 रुपए की, उसमें से 2,501 रुपए ये रहे। 2,501। बाकी के 5,000 कहाँ है बेटा? वो चाचा के पास है। चाचा के पास? ये कौन चाचा आ गया? कहाँ का चाचा? किसका चाचा बेटा? अबे गधे ये 5,000 रुपए किस चाचा 420 को दे दिए तूने? नहीं नहीं वो चाचा 420 नहीं है, वो क्या है ना कि अगले हफ्ते चाचा की बिटिया की शादी है। शादी? और चाचा की बिटिया हमारी कौन हुई? बहन जैसी हुई के नहीं हुई? बोलो ना बाबूजी, बोलो ना प्लीज। हुई तो? तो बहन की शादी है तो चाचा को जरूरत थी, तो हम उनको सामान के लिए मना कैसे करते? चाचा ने कहा कि उनका बेटा दुबई से आएगा ना तो हमारी पाई पाई चुका देगा। अरे बेटा दुबई के नाम पे तुझे झांसा दे गया वो, 5,000 का चूना लगा गया, खा गया तेरा सामान 5,000 का। ये पकड़ अपने 2,501 रुपए पकड़, जब बाकी के पैसे आ जाए तो पूरे 7,501 मुझे दे देना। मेरी समझ में नहीं आता जरूरत क्या थी उसे उधार देने की? मैंने चॉकलेट मांगी तो हम उधार नहीं देंगे। बाबूजी आप ही ने तो कहा था भले ही फायदा कम हो लेकिन कोई भी ग्राहक खाली हाथ लौट के ना जाए। हाँ बेटा मैंने कम फायदे की बात कही थी, नुकसान की बात नहीं की थी। वो तेरा चाचा तुझे बेवकूफ बना के चला गया? नहीं नहीं बाबूजी हमें चाचा पे पूरा विश्वास है, और आप ही तो कहते हैं कि ये दुनिया ना विश्वास पे चलती है। विश्वास पे? विश्वास पे दुनिया चलती है मगर दुकान नहीं चलती बेटा। कल अगर वो चाचा तेरा बाजार में दिखे ना सबसे पहले अपने पैसे उससे मांग लेना, समझा? ठीक है। हे भगवान कहीं सच में तो वो चाचा 420 नहीं है? नहीं नहीं शकल से तो वो 210 भी नहीं लग रहे थे। ₹10। एक मिनट। ठीक है। 400 ग्राम चावल देना भैया। हे राम अब ये 400 ग्राम कैसे तोलेंगे? भैया आधी किलो ले लो प्लीज। अरे भाई 400 ग्राम ही चाहिए। हाँ याद आया
गोमुख भैया ने बताया था कि 500 में से अगर 100 गए तो 400 बचे। ठीक है, गिरे 500 और गिरे 100, हो गए 400। तेरे 400 ग्राम हाँ। अरे भैया कितना तोलोगे? 400 ग्राम चावल दे रहे हैं भैया, 400 ग्राम। हाँ, हमारी दुकान से कभी भी कम सामान नहीं मिलेगा। हो गए 400 ग्राम। 400 ग्राम ये तो 400 ग्राम ही दिए भैया। हमारे बाबूजी कहते हैं कि हमारी दुकान से हर ग्राहक खुश होके जाए, जितना पैसा दे उससे ज्यादा ही सामान दे। ठीक है, लो। अरे कितने रुपए हो गए? 20 रुपए। ये लो, ये भी असली है भैया। हमारी दुकान पे फिर आना, हमारी दुकान का नाम है गदा प्रसाद जनरल स्टोर। अरे वो तो लगता ही है। टाटा टाटा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस दुकान को रखना गधा प्रसाद संभाल के। अरे तूफान से नहीं दीदी, बलवान से निकाल के। गधा भैया ये देखिए, हम लोग ना आपके लिए चाय बनाकर लाए और आपके पसंद वाला ये क्रीम वाला बिस्कुट भी लेकर आए हैं। टरते टरते क्रीम के बिस्कुट। हाँ, ये लीजिए, आप आराम से इसको पीजिए, इसको खाइए, तब तक दुकान हम संभाल लेते हैं। डरते डरते। हाँ भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, हमारे लिए चाय और बिस्कुट लेकर आई हैं। भाभी आपके अंदर ना हमको अपनी मम्मी दिखाई देती है। मम्मी आराम से चाय पी। ये दुकान थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही? हाँ बदला हुआ तो लग रहा है। अरे गदा भैया, ये दुकान का हुलिया तो आपने एकदम ही बदल दिया है, और ये गद्दी आपने यहाँ पे क्यों रखती है? डरते डरते। एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि दुकान की दिशा बदल दो वरना मक्खी मारते रहोगे और उधार देते रहोगे। हमने बदल दी। अरे वो देखो, मयूरी को लगता है कोई मोटा ग्राहक आ रहा है। नहीं भाभी, ग्राहक तो मोटा है पर इनकी हालत बड़ी पतली है। राम राम चाचा। राम राम बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। चाचा तू भतीजा कब से बन गया गधा प्रसाद? कल शाम को बने थे। और बताओ चाचा, बिटिया की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अरे कहाँ बेटा, कल जो सामान ले गया इसमें ये सामान कम पड़ रहा है। दिखाइए दिखाइए, हमको दिखाइए। ये सारा सामान तो हमारी दुकान में मिल जाएगा। डरते डरते, हम अभी निकाल देते हैं। हाँ सब मिल जाएगा, पैसे मेरा बेटा आकर दे जाएगा। अच्छा चाचा जी, अब आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? दुबई में। क्या? हाँ वो कुछ दिनों बाद आ जाएगा, कल के 5,000 और आज के जितने ही पैसे होंगे वो दे जाएगा। क्या मतलब, आप कल भी 5,000 रुपए का उधारी का सामान लेके गए थे? हे भगवान, मयूरी को तो टेंशन हो रही है, मयूरी का मन उधार डांस करने का कर रहा है।
नहीं, अब चाचा जी हम आपको सामान उधार नहीं दे सकते हैं, डरते डरते आज का सुविचार ओनली नकद नो उधार, डरते डरते। बेटा कल लड़के वाले घर आ रहे हैं, अगर खाने पीने का सामान कम पड़ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा तो बिना पैसों के उधारी में सामान लेने में आपकी बेइज्जती नहीं होगी? मैं बेटी का पिता हूँ, मेरी बेटी का मान सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। कथा प्रसाद मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, मेरा विश्वास करो, मेरा बेटा जरूर आएगा। अरे कब तक उधार की जिंदगी जीते रहोगे केदारनाथ? सबसे कहते फिरते हो मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, पिछले 2 साल से तो आया नहीं, अब क्या आएगा? अच्छा तो ये बात है, पिछले 2 साल से मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा ये बोलकर आप सबसे उधार लेते फिरते हो, शर्म नहीं आती आपको? वो आएगा, जरूर आएगा, उसकी बहन की शादी है, भला कौन भाई अपनी बहन की शादी में नहीं आता? बेटा बेटा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे सामान दे दो, दे दो बेटा। चाचा हमारे बाबूजी कहते हैं कि छोटों के सामने बड़ों को हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, भाभी प्लीज चाचा को सामान दे दो, सामान दे दो प्लीज भाभी प्लीज। अरे क्या बोल रहा है ये? कथा भैया ये तो बहुत सारा सामान है, लगभग 6-7 हजार के आसपास का है, डरते डरते। 6 हजार का सामान? नहीं नहीं, मयूरी के बाबूजी को अगर पता चलेगा ना कि हमारी ये दुकान उधार दे के खाली हो गई, तो हम तीनों की खैर नहीं। हे भगवान। भाभी उसकी चिंता मत करो, हम बाबूजी को समझा देंगे। तू समझाएगा? हाँ भाभी तुमको हमारी कसम, चाचा को सामान दे दे प्लीज। ठीक है। केदारनाथ अबे घूमू कहीं के, ये तो वही बुड्ढा है ना जो पूरे मार्केट में उधार चंद के नाम से मशहूर है। हाँ भैया ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ से उसने उधार ना लिया, और आज तक किसी का उधार चुकता नहीं किया है। टौ, 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 टौ। अच्छा हे भगवान, उस दिन सब्जी मंडी में एक दुकानदार ने उसकी पिटाई भी की थी, फुल स्टॉप। दुकान का आधा सामान तो जा भी चुका, और अगर ऐसे ही रहा तो मयूरी को लगता है कि पूरी दुकान भी चली जाएगी। कोई नई बात नहीं है, मैंने बाबूजी से कहा था कि गधे को दुकान देना मतलब किसी बच्चे को राजधानी के इंजन का ड्राइवर बनाने के बराबर है, गाड़ी के साथ साथ पैसेंजर भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। भैया हमें कुछ करना चाहिए, उस दुकान में हमारी मेहनत के ही पैसे लगे हैं, अगर लोग गधा प्रसाद को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो, 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 तो। गधा दुकान खुली छोड़ के कहाँ चला गया? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, गधे तो हम हैं जो हमने गधा प्रसाद को ये गधा जनरल स्टोर खोल के दिया है, दुकान का आधा सामान तो लोग उसे बेवकूफ बनाकर ले गए, बाकी का आधा चोर उचक के ले जाएंगे।
बाबूजी ये तो दुकान का गल्ला भी खुला छोड़ के चला गया। ब्रैकेट ओपन। मुझे गल्ले में पैसे नहीं है। हरिओम। नहीं नहीं गल्ले के पैसे वो अपने साथ ले गया होगा। दुकान खोली छोड़ के कहाँ चला गया? पहले तो ये बता दुकान का इतना सारा सामान कहाँ गया? बोगी आधी से ज्यादा खाली पड़ी है। बाबूजी के इतना समझाने के बावजूद तूने आज फिर केदारनाथ को सामान उधार में दे दिया, वो भी इतना सारा, ब्रैकेट फुल। बाबूजी चाचा ने कहा है कि कल का 5,000 और आज का 7,000 तो एक साथ वापिस कर देंगे। जब उसका बेटा दुबई से वापस आएगा तब? हाँ, जो कभी आने वाला ही नहीं है। पूरे 12,000 की चपत लगा दी गधे ने। गधे ने बेटे गधा प्रसाद, इस तरह से ये दुकान चलाने की इजाजत मैं तुझे नहीं दे सकता। अब मुझे खुद इस दुकान पर बैठना पड़ेगा तेरे साथ। अच्छा चल पहले गल्ले के पैसे गल्ले में डाल। गल्ले के पैसे गल्ले में डाल, क्या कह रहा हूँ मैं? अबे सुना नहीं क्या? गल्ले के पैसे डाल गल्ले में। तो फुल स्टॉप क्यों है? कहाँ है पैसे? क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप क्यों है? कहाँ है पैसे? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी सामान ले जाने के बाद ना चाचा फिर से वापस आए थे। राम राम। राम राम क्या? अब क्या लेने आए? सब कुछ तो ले गए, हम बाकी बचे हैं, हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं बेटा, वो क्या है कि सामान तो तुमने पूरा दे दिया पर उसमें देसी घी तो है ही नहीं। देसी घी कैसे होगा जब हम बेचते ही नहीं है? हमारे यहाँ देसी घी नहीं मिलता। क्या देसी घी नहीं है? पर मुझे तो कम से कम 10 किलो देसी घी चाहिए ही, वरना लड्डू कैसे बनेंगे? चौक के पास पांडे जनरल स्टोर में देसी घी है, लेकिन वो मुझे उधार नहीं देगा, कैश पेमेंट मांगेगा। अगर लड्डू नहीं बने तो शगुन पूरा कैसे होगा? और अगर शगुन पूरा नहीं हुआ तो लड़के वाले बुरा मान जाएंगे, और लड़के वाले बुरा मान गए तो शादी टूट जाएगी। फिर मेरी बेटी की शादी कैसे होगी बेटा? नहीं नहीं चाचा, हम आपकी बिटिया की शादी नहीं टूटने देंगे। हम आपको कैश पेमेंट दे तो देंगे पर हमारा कैश पेमेंट कौन देगा? मेरा बेटा वो कल आ रहा है, वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आखिरकार उसकी बहन के ससुराल वाले कल शगुन लेकर आ रहे हैं। ठीक है चाचा। चलो चाचा हम तुमको देसी घी खरीद के दे देते हैं, ठीक है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.